इवनिंग एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग शुभमिता ब्लॉग्स में। एक और नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो अभी मैं जस्ट जा रही थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, अभी हो गया है थोड़ा सा लेट, इतनी धूप आ रही है ना आजकल, बड़ा अच्छा वेदर हो रहा है। तो कल पापा ये कुछ साग लेके आए थे, तो तीन साग है इसमें, सोया फिर बथुआ और मेथी, ये तीनों मिक्स करके ना इतना टेस्टी लगता है। तो पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, अक्सर लेके आते, लेकिन बीच में इतना लेके आते थे ना कि मतलब रोज़ रोज़ साग साग का हमने छोड़ ही दिया था। फिर काफ़ी दिनों बाद आज मैं बना रही हूँ। आलू को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। तेल गरम हो गया है, इसमें अब मैं थोड़ा सा राधुनी डाल दूंगी और फिर लहसुन डाल दूंगी थोड़े। उसके बाद जो आलू हमने क्यूब्स में कट कट के रखे थे ना, वो डाल देंगे, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे पहले। थोड़ा सा हल्दी नमक मिक्स कर लूंगी। अब जो कटे हुए साग हमने रखे थे वो इसमें डाल के इसको अच्छे से फ्राई करना है हमें। बहुत लोगों को ना ये साग पसंद नहीं होता है, बट मुझे ना ये वाला साग पसंद है, मुझे दही के साथ उसका कॉम्बिनेशन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साग जैसे बहुत लोग पसंद है, तो वैसे उनमें से एक है मेरे हबी, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है साग, सबसे खाते ही नहीं है वो, लेकिन कभी कभार खा लेते हैं क्योंकि और तो खाने होते हैं ऑप्शन। तो आज भी जैसे ही मजा है ना, आज भी देखते हैं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, पता नहीं। तो कल का आलू का सब्जी भी है, अगर नहीं खाएंगे तो वो आलू का सब्जी खा लेंगे। और ये वाला साग में जो सोया साग चलता है ना, उसका स्मेल इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर प्लेन सोया साग बनाओ तो उतना टेस्टी नहीं लगता, उतना अच्छा नहीं लगता। इसको हम मेथी पालक या बथुआ मतलब इन सबके साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स करके बनाए ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। प्लांट्स को ना धूप में रखा हुआ था, तो अभी इन लोगों को उनकी उनकी जगह पर सजा रही हूँ। अपनी प्लेट लेके आ गई हूँ मैं छत में है, क्योंकि नीचे बहुत ठंडी लग रही थी, तो सोचा धूप में बैठ बैठ के आराम से खाऊंगी। ये वाले साग के साथ दही का कॉम्बिनेशन बहुत सही लगता है। धूप में बैठ के दही और लाई खाने का मजा ही अलग है, मेरे को तो पहले पता ही नहीं था इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना टेस्टी लगता है। कुछ टाइम पहले जाके पापा ये रोहू फिश लेके आए थे, मम्मी ने ये गाट गोभियां लगा के रखी थी, इसको हमारे यहाँ पे ओल्ड कॉफी बोलते हैं। तो छोटा छोटा हुआ है, इसमें तो अभी हुआ नहीं है, और इधर पे कुछ कुछ बड़े भी हुए हैं, और आधे ना इसमें से लंगूर खा गए और चूहे खा गए उसकी लीव्स सारी, और यहाँ पे ना चार पाँच हुए हैं। यहाँ पे ये वाला गाट गोभी भी इतना बड़ा बड़ा हो गया है, और इधर पे भी गाट गोभी इतने छोटे छोटे लेके आए थे ना, बस इसमें ना पत्ता ही पत्ता था, और अभी सब गाट गोभी में बदल चुके हैं बड़ी बड़ी। तो अभी कुछ कुछ बड़े हुए हैं, कुछ कुछ अभी छोटे ही हैं, इसमें देखिए। ये जो है पोई का पौधा है, तो इसमें ना सारे अभी सीड्स रखे हुए हैं, तो सीड्स अभी पकने लग गए हैं यहाँ पे। तो ये सीड्स से ना मम्मी दोबारा पौधा लगाने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा पोई साग बोलते हैं इसको,
तो ये वाला इतना बड़ा बड़ा इतना मोटा मोटा इसमें हुआ है ना, तो सबको देख के बहुत पसंद आया, तो सब लोग बोल रहे थे कि बीज रखने के लिए। तो इधर पे बीज वगैरह सब कुछ पक चुका है और ये अभी सूखेंगे इसी में, इसलिए अभी हम इसका ये पोई का ये डंटी वगैरह तोड़ के इसका सब्जी वगैरह नहीं बना रहे क्योंकि इसका बीज रखना चाह रहे हैं हम लोग। धनिया भी कितना बड़ा बड़ा सा हो गया है, एकदम फ्रेश फ्रेश लग रहा है दिखने में। और यहाँ पे भी रखी है कुछ गार्ड गोभी। और पास के ये छत पे ना, यहाँ पे महीनों से इस प्लांट में पानी नहीं है लेकिन फिर भी फ्लावर खिला हुआ है। मम्मी के हाथों में ना काफी दिनों से बहुत ज्यादा दर्द था, तो आज आंटी थोड़ा तेल से मालिश करके दे रही है मम्मी को। फिश में थोड़ा सा तेल, थोड़ा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज लंच में बनाऊंगी मैं ये गार्ड गोभी, तो कितना बड़ा है ना ये, एकदम इतना बड़ा बड़ा। कल दीदी लोग के वहां पे गए थे ना, तो उनके टेबल पे रखा हुआ था, डाइनिंग टेबल पे। मम्मी ने बोला कि ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, तो वहाँ पे जो जीजा जी और दीदी हैं उन्होंने ना मम्मी को दे दिया था ये, तो इतना बड़ा है, मैंने इतना बड़ा गार्ड गोभी बहुत दिन बाद देखा है। और हमारी छत पे भी तो भी लगे हैं, मैंने जैसे कि आपको दिखाया कुछ टाइम पहले, तो अभी कितना बड़ा होगा नहीं पता, लेकिन ये एक ही से ना इतनी सारी सब्जी बन जाएगी काफ़ी। तो पापा को ये फिश के साथ बहुत पसंद है, इसलिए पापा आज फिश लेके आए थे स्पेशली कि इसके साथ खाएंगे। अच्छे से छील लेंगे इसको पहले। गोभी बिल्कुल फ्रेश है और इसके साथ इसमें मैं एक आलू भी कट करके डालूंगी। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, कढ़ाई में तेल डालकर पहले फिश को फ्राई कर लूंगी। उसी तेल में डालूंगी तेजपत्ता, जीरा तेजपत्ता जैसे ब्राउन हो जाए उसमें डाल दूंगी ये गोभी और आलू जो कट करके रखा हुआ था। इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसमें डाल दूंगी हल्दी, नमक। इसको थोड़ा सा और मिक्स करने के बाद इसमें जो अभी मिर्च कट करके रखा हुआ था उसी में पानी मिक्स करके डाल दिया, इसमें और पानी नहीं डालूंगी। दाल फ्राई करने की तैयारी भी कर लेती हूँ क्योंकि मेरे हबी तो फिश खाते हैं नहीं, तो उनके लिए दाल फ्राई करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे ही सब्जी में उबाल आ जाएगा उसमें मैंने ये डाल दी है फ्राई की हुई फिश, इसको ढक दूंगी ताकि जल्दी पक जाए। सब्जी बन गई है और इसमें अब मैं डालूंगी जीरा और धनिया, जो रोस्ट करके भुना हुआ मसाला होता है वो। गार्ड गोभी का सब्जी बनकर ये हो गया है सिंपल बेगोली वाला धनिया है सब्जी, कौन सा वाला। इनको लग गया है भूख और किचन में आके फटाफट से बोल रहे हैं चावल बन गया है, सब्जी दाल जो भी है दे दो मुझे खाने के लिए। तो आलू फ्राई कर रही थी तो उस टाइम पे बोल रहे थे कि लाओ मैं फ्राई करता हूँ, इसलिए पोज मार रहे थे कि कैमरे पे आके।
यहाँ पे आलू भी फ्राई कर रही हूँ और उधर पे छोटी कढ़ाई पे पापा के लिए फिश। आज इनको और पापा को दोनों को इतनी तेज़ भूख लगी हुई है तो फटाफट से खाना उतारते उतारते इन लोगों को प्लेट लगा के दे रही हूँ। ये वाला प्लांट न्यू है और काफ़ी सुंदर है। इसका नाम आई थिंक ब्लैक डोगरा या कुछ समथिंग है। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर से मुलाकात होगी एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।